ये लेफ्ट साइड में भी एक मंदिर आया है इनका। मंदिरों का आर्किटेक्चर भाई यहाँ पे गजब ही होता है। ये है भाई लेटे हुए बुद्धा जी, एक फ्रेम में तो आ नहीं सकते भाई। मात्र 1.5-2 किलोमीटर के लिए हमने किया टुक टुक, भाई पहुँच गए हम लोग वोरा चेक मार्केट में। भाई लोगों आपको फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज क्या थोड़ा सा लेट हो गया, 1:30 बज गया है, मतलब बारिश हो रही थी बाहर, तो इसीलिए बाहर जाने का कोई सीन बना नहीं। बारिश वारिश शायद रुक गई है, एक बार देखते हैं। हाँ रुक तो गई है, तो भाई निकल रहे हैं अभी गाड़ी लेके कहीं ना कहीं, देखते हैं किधर जाना रहेगा, प्लान करते हैं। तो ये खड़ी भाई अपनी गाड़ी, अब अपने को तो ये समझ नहीं आ रहा कि गाड़ी लेके ठीक किया या नहीं किया, क्योंकि बैंकॉक में तो गाड़ी लेके घूमना थोड़ा सा टफ काम है, क्योंकि बहुत ही भीड़ रहती है यहाँ पे, ट्रैफिक जाम रहता है, और आसपास तो आप वॉकिंग भी कर सकते हो। तो फिलहाल देखते हैं अभी गाड़ी लेके निकलते हैं कितना क्या जाम मिलेगा, और अभी कहाँ जाना है ये भी डिसाइडेड नहीं है, देखते हैं गाड़ी में बैठ कर डिसाइड करते हैं। ये जो साइन बोर्ड है भाई, अगर इस पर ये इंग्लिश में भी लिख देना तो थोड़ा सा हेल्प हो जाए, समझ आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। अभी तो क्या बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ, इन्होंने थाई में लिखा हुआ है। ट्रैफिक जाम हमेशा रहता ही है थाईलैंड में, मतलब बैंकॉक में हमेशा ही ट्रैफिक जाम रहता है। किसी भी गली किसी भी सड़क से निकल जाओ, ट्रैफिक जाम मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो यहाँ भी दिल्ली वाला ही हाल है भाई, पूरा ही जाम पड़ा हुआ भाई इधर से। लेकिन हाँ ये है कि जैसे एम्बुलेंस को निकलने के लिए तो रास्ता मिल जाता है भाई, या तो एक लेन खुली छोड़ रखी है या जो भी है, बट वैसे पूरा ट्रैफिक जाम है। ये जो दो लेन है राइट वाली, ये दोनों लेन्स राइट मुड़ने वाले ट्रैफिक के लिए, और सीधे जाने वाला कोई भी आदमी नहीं लगेगा इसमें। इसमें सिर्फ वही गाड़ी लगाएंगे जिनको राइट मुड़ना है। दो लेन्स राइट के लिए डेडिकेटेड है और दो लेन्स सीधा जाने के लिए डेडिकेटेड है, एक लेफ्ट फ्री टर्न है उसके लिए। तो सिस्टम थोड़ा सा तो बेटर है भाई, दो गाड़ियों के बीच में एक गाड़ी लगाने की जगह लगभग लगभग सब ने इतना ही डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है, अपना थोड़ा सा कम था। अब इसने भी आगे ले लिया, अपन भी ले लेते हैं। ये देखो डिस्टेंस देखो, मतलब कितना रहता है दो गाड़ियों के बीच में, बिल्कुल चिपकाते नहीं है भाई यहाँ पर। ये लेफ्ट साइड में भी एक मंदिर आया है इनका। रोड पे तो पार्किंग अलाउड नहीं है, 50 की स्पीड अलाउड है यहाँ पे, अपन चल रहे हैं ठीक है, 50 से कम ही चल रहे हैं। बम्पर के साथ भाई ये इसुज़ू पहली दिखी, और इसका भी बम्पर टुका हुआ अंदर, मतलब हमारे वहाँ तो बम्पर बाहर निकल जाता है, इसका पीछे से टुकी हुई है गाड़ी, पूरा बम्पर अंदर घुसा हुआ है। ये रॉयल थाई आर्मी का कुछ आ गया भाई, मतलब ये पूरा जो एरिया है ना, ये ऐसा वीआईपी वाला एरिया लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वुलिस वो स्नीफर डॉग्स लेके वो आर्मी वाले घूम रहे हैं। तो ये जो एरिया है ये इधर तो क्या स्टेडियम है, अच्छा इधर स्टेडियम है, इधर ये आर्मी का वो है, और पीछे भी पूरा, मतलब जो पीछे अभी रास्ता गया ना, पूरा वीआईपी एरिया वाला लग रहा था, क्योंकि काफ़ी पुलिस बैठी हुई है यहाँ पे, काफ़ी सिक्योरिटी है, और मतलब जैसे अपने यहाँ लुटियन जोन में फील आता ना, वैसा सा ही फील आ रहा है। ये लेफ्ट में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये क्या है ये तो समझ नहीं आ रहा, राजा की फ़ोटो तो सब जगह ही लगी रहती है यहाँ पे, मतलब ये पूरा ही वीआईपी एरिया है। ये पुलिस का कुछ है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का कुछ है, सब वही चीज़ें हैं, और सब ये ऊपर जो ऊपर फोटो लगा रखे, हमें राइट ढूंढना क्या यहाँ से, राइट है। तो हम कौन सी लेन में ले? मेरे ख्याल से रोहित सारे राइट ही मुड़ेंगे इसमें। मंदिरों का आर्किटेक्चर भाई यहाँ पे गजब ही होता है। अब पार्किंग कहाँ है? पार्किंग तो देखने पड़ेगी, सीधे सीधे चलो एक बार। सीधा ले लो। हाँ, ये तो ग्रीन है। ये भाई देखो इस साइड भी क्या आर्किटेक्चर है, और इस साइड भी। पार्किंग भाई यहाँ पे रोड साइड में एक लेन में पार्किंग लगा रखी है, हमने भी यहीं लगा दी। 40 वाट लिए हैं, लिखा था उस पर कुछ 20 था, लेकिन लिए 40 वाट है, पता नहीं क्या हो गई है। और आगे लेफ्ट साइड में ये उसकी शायद एंट्रेंस है, तो इसका नाम है वाट फ्रा चेटू फोन भाई, ये नहीं पढ़ा जा रहा है ना, आगे रजवाड़ा, यहाँ से यहाँ तक रजवाड़ा है, ये महा आगे काटा हुआ पता नहीं। रोज़ सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलता है ये। तो 200 वाट की टिकट है भाई इसकी, और यहाँ से टिकट लेके फिर इधर से आपकी एंट्रेंस है। अगर लड़कियों ने ड्रेस अप्रोप्रिएट नहीं पहनी तो यहाँ नीचे पहनने के लिए वो मिल जाता है। तो किधर से एंट्रेंस? 1 जनवरी से 300 वाट होने वाला है। अच्छा, हम आ गए सस्ते में, सही टाइम पर आ गए, हमने 100 वाट पर पर्सन बचा लिए। तो ये है प्रा महा चेड़ी सी राजा कर्ण,
ये पूरा इसका मतलब एक वो बना रखा है मॉडल, इसमें मंदिर और पीछे पता नहीं पूरा मंदिर ही है क्या क्या है, लेकिन पूरा एक मॉडल बना रखा है भाई इसका। ये शायद मॉन्क्स रहे होंगे है ना, इनको मतलब फूल चढ़ा रखे हैं लोग, इनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, शायद ये मॉन्क्स रहे होंगे। ये वर्शिप की जगह है, मतलब लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और अपने गणेश जी, यहाँ पे देखो गणेश जी भी हैं और उधर वो कौन से भगवान हैं, विष्णु भगवान का ही प्रसाद, बाकी इनके बुद्धा जी हैं। तो यहाँ पे ये बैग्स हैं, ये बैग में अपने जूते डालने हैं, ठीक है, जूते चप्पल जो भी है वो डालने हैं और फिर इस बैग को ले जाना है और वापस यहीं पे लाके छोड़ देना, मतलब यहाँ पे जूते चप्पलों की भीड़ ना लगे इसीलिए। तो ये है भाई लेटे हुए बुद्धा जी, एक फ्रेम में तो आ नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़े हैं, तो फोटो तो कैसे आएगी, मुश्किल आएगी। बाकी हाँ ये है कि ये देखो इधर से आपको समझ में आ जाएगा, अंदर हैट पहनना जो है ना वो अलाउड नहीं है, हैट मतलब हैट या टोपी। एकदम भाई किंग साइज बुद्धा जी हैं, मतलब ये यहाँ से लेकर और वहाँ तक, मतलब ये होंगे कम से कम 150-200 फीट लंबे, कम से कम इतने तो होंगे। तो ये आ गए बुद्धा जी के चरण और भाई ये देखो यहाँ से और वो आ गया उनका सर, क्या ही कलाकृति बनाई है भाई बनाने वाले ने, अद्भुत। तो यहाँ पे भाई शायद मन्नत पूरी होती होगी, सिक्के भर के लाए हैं, ये देखो फुल सिक्के भर के लाए हैं और सब एक 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 इसमें डालते रहेंगे, यहाँ से सिक्के मिलते हैं। ओके, 1 cup 20 baht, 20 baht में एक मिल जाएगा पूरा और उसको फिर आप इसमें डालते चलो। क्या करना, मन्नत मांगनी है? नहीं नहीं ऐसे ही, क्या पता किसकी है। हाँ तो जिस भी लिए है ठीक है, हमारे तो हमारे भगवान कर देंगे मन्नत पूरी। यहाँ आके ख़त्म हो जाएगा, फिर आप कप को यहाँ पे रख दो। जितने भी गेट है ना एंट्रेंस एग्जिट के या कोई भी, उन पे सब पे ये 2 बॉडीगार्ड खड़े हैं हर गेट के ऊपर, ये भाई फुल रक्षा में लगे हुए हैं, यहाँ तो कोई बैठा भी नहीं है। भाई बहुत बड़ा मंदिर है, इधर भी कुछ है पता नहीं क्या है, बहुत बड़ा मंदिर है, मतलब जितने बड़े बुद्धा जी हैं ना उससे तो कई गुना बड़ा मंदिर है। ये भाई कैसे बना ना, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रामा जेडी सी राजकरण है ना, ये आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लेना, मतलब किंग रामा ने बुद्धा स्टैचू कहीं से यहाँ पे लाए थे, वो रास्ते में डैमेज हो गया तो उन्होंने पिंगला के बनाने के लिए दोबारा कुछ ऐसा किया, उनका आइडिया रिजेक्ट कर दिया किसी ने, ये सारा पढ़ लेना मतलब आप आराम से। निसान की क्यूब, भाई कितनी क्यूट सी गाड़ी है, मतलब इसका नाम क्यूब की बजाय अगर क्यूट होता तो भी बढ़िया लगता, मतलब छोटी सी कितनी लो हाइट है, छोटी सी प्यारी सी गाड़ी है। हाँ लेकिन दरवाजे तो 4 door ही है भाई, ये देखो। इस मंदिर में भाई इंस्ट्रक्शन लगी हुई थी बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, मतलब यहाँ पे भी जेब कतरे घूमते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं घूमते हैं, और टूरिस्ट पुलिस ने इंफॉर्मेशन लगा रखी थी कि मार्केट से पहले प्राइस चेक कर लो, मतलब ऑनलाइन पहले प्राइस चेक करो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ओवर प्राइस्ड भी मिलती हैं चीज़ें। भाई मात्र 1.5-2 kilometer के लिए हमने किया टुक टुक और अभी जा रहे हैं हम लोग वोरा चक मार्केट, जहाँ कार एसेसरीज़ की शॉप है वहाँ जा रहे हैं। और भाई ये वाले जो होते हैं ना टुक टुक, ये जो फुल्ली मॉडिफाइड वाले टुक टुक होते हैं ये महंगे ही होते हैं। पीछे ही जाना था, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली कोई लोग पता नहीं पा रहे थे कि जाना किस तरफ है, इस चक्कर में हमने टुक टुक ही कर लिया। ये नीचे वो नदी सी बह रही है जिसमें नाव चलती है मार्केट वाले, ये देखो भाई फुल्ली मॉडिफाइड, मतलब वो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट बदल रखा है फुल आवाज़ करते हुए, टायर के रिम देखो और ब्रेक्स भी इसमें वो वाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे डिस्क पैड वाले ब्रेक्स, पीछे क्या ढोलकी सी पता नहीं CNG है क्या है, सिलेंडर है। ओके इसका जो गियर है ना वो हाथ से चेंज होता है, ओके इसमें वो वाले गियर नहीं है, मतलब जो अपने यहाँ ऑटो में होते हैं, इसका गियर बीच में सेंटर में हाथ से चेंज होता है। तो भाई पहुंच गए हम लोग वोरा चक मार्केट, मतलब ये पूरी कार एसेसरीज़ की मार्केट है, लेकिन बस अपने से गड़बड़ क्या हो गई क्योंकि अपने को एग्जैक्टली रूट पता नहीं था, तो उसने हमारे को थोड़ा उल्लू बना दिया कि भाई मतलब जो पार्किंग वाला था वो एक लेफ्ट भेज रहा था एक राइट भेज रहा था, और हम टुक टुक से आए 150 baht दिए और उसने बोला कि यहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी, जबकि यहाँ बड़ी शानदार पार्किंग है, गाड़ी से आते आराम से पार्किंग लगाते तो सामान सामान भी जो ले जाना है वो आराम से ले जा सकते थे। ये सब भाई वो
टूल्स मतलब छोटे छोटे कंप्रेशर आ गए, ये टायर खोलने के लिए वो सब टूल्स की मार्केट आ गई है। ओके, वुड कटर, बड़ा वाला हैमर, ग्राइंडर, वाह भाई। ये वाले भाई हमने पटाया से 180 वाट के लिए थे, यहाँ पे 100 के मिल रहे हैं। और इसका कवर जो लिया वो भी 100 का ही मिल रहा है। ये जो इस टाइप के कवर्स है ना, ये वाले कवर्स, ये भी 100 वाट के मिल रहा है। कुछ भी समझ नहीं आया भाई उस मार्केट में, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी डिवोट नहीं किया हमने और कुछ ज़्यादा खास समझ में आया भी नहीं, तो वहाँ से निकल गए अभी फ़िलहाल पैदल पैदल, क्योंकि ये वाली जो रोड है जिससे हम आए थे ये वन वे है, तो जहाँ से आगे ट्रैफिक उस तरफ जा रहा होगा अगर वहाँ कोई सवारी मिल गई मतलब ऑटो ऑटो मिल गया तो ले लेंगे, नहीं तो पैदल पहुँच जाएंगे। गाड़ी ले आते तो क्या था कि वहीं की वहीं पार्किंग कर लेते आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन गाड़ी हम लाए नहीं। ये देखो भाई सुजू, ये शानदार तैयार कर रखी है बस, तो भाई बेस्ट की बस होती है ना बॉम्बे में, एकदम खचड़ा हालत में। ये देखो बिल्कुल खचड़ा हालत वाली बस है। ये मार्केट तो भाई पूरा बंद सा ही पड़ा है, पता नहीं क्या चक्कर है यहाँ पे, क्या टाइमिंग रहता है क्या रहता है पता नहीं, बट या फिर वो जो वीकली ऑफ है वो रहता है, बट पूरा मार्केट बंद पड़ा है। बंद करके जा रहे हैं तो अंकल जी भी, ये देखो क्या चक्कर है, टाइम तो हुआ नहीं है, मतलब 5 ही बजे शाम के। भाई इस दुकान पे पुराना पुराना सामान है, कितना पुराना है, स्टेपलर देखो मतलब कितने सालों पुराने होंगे, स्टैम्प पैड, पुरानी एंटीक चीज़ें हैं इनके पास तो बहुत सारी, पता नहीं बेचने के लिए किस लिए, बेचने के लिए होंगी वैसे तो। घड़ियाँ देखो, हाँ ये वाली तो हमने भी देखी हुई अपने टाइम में, वो देखो पायलट पेन की और फाउंटेन पेन, सब पुराना पुराना माल है भाई। भाई यहाँ पे देखो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, मतलब यहाँ आते एकदम ही चेंज हो गया मामला। और ये क्या है, पार्किंग चार्जेस होंगे शायद, अच्छा 10 वाट 15 वाट गाड़ी के, तो 20 वाट 30 वाट। और ये क्या है, लेफ्ट साइड में कोई पुरानी सी बिल्डिंग लग रही है जैसे कोई सरकारी दफ्तर हो इनका। लेफ्ट वाली जो बिल्डिंग है ना भाई, ये कोई बहुत ही VIP बिल्डिंग है, मतलब आर्मी या किसी की, पूरी बढ़िया सिक्योरिटी। और अभी पीछे बाइक देखी थी एक, फुल ब्लिंकर ऑन करके, शानदार बाइक थी। तो भाई दो जगह घूमाए, एक तो वो लेटे हुए जो बुद्धा जी है वहाँ पे, और दूसरा वोराचक मार्केट। तो वोराचक मार्केट में भी कुछ खास ऐसा मिला नहीं, बाकी अभी आ गए हैं रूम के ऊपर, मतलब होटल आ गए हैं 7:15। लिफ्ट भी दो बदलनी पड़ती है, ये पार्किंग से आती है वो लिफ्ट है, उसके बाद दूसरी लिफ्ट ये है जिससे रूम पर जाएंगे। तो फाइनली भाई रूम पर पहुंच गए हैं और फुंसियाँ हो गई, मतलब एक यहाँ हो गई पता नहीं कहाँ फुंसियाँ हो गई है, और अब ऐसा लग रहा है बस भाई फटाफट अपने देश पहुंच जाएं। बकवास है भाई, मैं तो कभी ज़िंदगी में दोबारा बैंकॉक नहीं आऊँगा। तो इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं भाई अगर कल व्लॉग बनाया तो कल के व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।